Alright, a very good evening to everyone. So today in this video, we are going to discuss about three main topics. That is a cycloaddition reaction, suprafacial and interfacial interaction, and the last one is that of Woodward-Hauptmann rule for the cycloaddition reaction. Alright, and I already made a two video on FMO and correlation diagram using a very simple trick which are very helpful to solve a CSIR question, and I already solved some question which are come in CSIR NET exam. So today in this video, we use this trick to solving and identify which reaction are possible by thermal and which reaction are possible by a photochemical. Alright, so chaliye start karte hain. So first thing is that a cycloaddition reaction. So and pehla topic yehi hai ki how to define a cycloaddition reaction. And very simple, a reaction of a 2 pi system to form a cyclic compound by breaking of 2 pi bond and making of 2 sigma bond in convert process. Hindi mein agar baat kare to reaction of kisi 2 pi jo 2 pi system mein hai unke beech mein reaction hogi aur wo jo hai ek cyclic compound form karenge. All right, ab pi system ke bare mein baat kare jo reactant honge unke paas mein at least ek pi bond hona zaruri hai aur do reactant yahan pe use karenge. 2 pi system hai, iska matlab reactant ke paas mein at least जो जितने भी रिएक्टेंट लिए हैं, दो रिएक्टेंट हैं, दोनों रिएक्टेंट को मिला करके अपने पास में दो पाई बॉन्ड्स होने जरूरी है, तभी ये रिएक्शन साइक्लोएडिशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग होगा, अदरवाइज वो साइक्लोएडिशन रिएक्शन नहीं होगा. ऑलराइट, सो रिएक्टेंट है, उनके पास में दोनों रिएक्टेंट को मिला करके दो पाई बॉन्ड होने जरूरी है. तो उन दोनों रिएक्टेंट से जो साइक्लिक कंपाउंड मिलेगा, उस साइक्लिक कंपाउंड्स में दो पाई बॉन्ड कम होंगे एज कंपेयर टू रिएक्टेंट एंड दो सिग्मा बॉन्ड ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू रिएक्टेंट. तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इस प्रकार के जो रिएक्शन है उसको अपन कह सकते हैं दैट इज अ साइक्लोएडिशन रिएक्शन. ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं. सो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं किस से इसको कह सकते हैं. सपोज आई टेक अ इथाइलिन, सपोज मैंने इथाइलिन ले लिया, इथाइलिन कंटेन अ 1 pi bond, that is a ethylene, and we take another reactant also ethylene. ये भी अपन ने क्या ले लिया, ethylene ले लिया. You all know about that ethylene having 1 pi bond and another 1 sigma bond, and there are also sigma bond. अब इसके पास में एक pi bond है और इसके पास में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, दो पाई इलेक्ट्रॉन्स है. इसके पास दो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, एक पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास, दो पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास में. तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज आल्सो नोन एज अ 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन, 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन. तो इसको अपन 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन के नाम से भी जान सकते हैं. ऑलराइट, सो नाउ व्हाट हैपेंड, so this bond are migrate over here and this bond are migrate over here and formation of a ring compound, and this reaction are possible in photochemically. How photochemically? ये जो है अभी जस्ट Woodward-Hauptmann रूल पढ़ेंगे ना, उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि ये photochemically क्यों possible है. alright, and thermally possible क्यों नहीं है. so alright, so ये जो है यहाँ पे देखिए, ये जो है इसमें कुछ bond formation होगा, कुछ bond ब्रेकिंग होगा. जो मैं ब्रेकिंग बॉन्ड एंड फॉर्मेशन बॉन्ड को डैश डैश से रिप्रेजेंट कर लेता हूं. ऑलराइट, सो ये हो गया अपना एक तरह का इंटरमीडिएट. ऑलराइट, सो यहां पे ये जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड, ये एक्चुअली ब्रेक हो रहा है, ये पाई बॉन्ड भी एक्चुअली क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड फाइनली वी गेट अ साइक्लिक कंपाउंड एज साइक्लोब्यूटेन, दैट इज अ साइक्लोब्यूटेन. ऑलराइट, अब इस साइक्लोब्यूटेन में अगर देखें तो इसमें कितने पाई बॉन्ड है, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है दैट इज 0 एंड सिग्मा बॉन्ड That is 4. यहां पे पाई बॉन्ड कितने हैं, यहां पे अगर पाई बॉन्ड देखे तो वो कितने हैं, दो पाई बॉन्ड है. सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, दो सिग्मा बॉन्ड है. तो यहां पे दो पाई बॉन्ड का लॉस हो गया एंड दो पाई बॉन्ड यहां पे फॉर्मेशन हो गया. सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज अ साइक्लोएडिशन रिएक्शन. तो ये किस टाइप की थी, 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन थी. राइट, ऐसा कैसा, अपन 4+2 ले सकते हैं, 6+2 ले सकते हैं, 8+2 ले सकते हैं, 6+4 ले सकते हैं, बहुत टाइप की आपके साइक्लोएडिशन रिएक्शन हो जाएगा. ठीक है, मैं यहाँ पे दो बताऊंगा और बाकी जो है आपको मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख दूंगा, आप उसको अच्छे से देख लेना. ऑलराइट, सो ये हो गया. अब हम नेक्स्ट और बात करते हैं 4+2 साइक्लो
एडिशन रिएक्शन के बारे में। और ये जो रिएक्शन है बड़ा इसका एक सिंपल सा पॉपुलर एग्जांपल है डाइस एल्डर रिएक्शन, डाइस एल्डर रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ऑलराइट, सो इसमें अपन रिएक्टेंट जो लेते हैं उस रिएक्टेंट के एक रिएक्टेंट के पास में तो कितने होंगे 4π इलेक्ट्रॉन्स है, 4π इलेक्ट्रॉन का मतलब 2π बॉन्ड एंड 2π इलेक्ट्रॉन्स है इसका मतलब उसके पास में 1π बॉन्ड, ऑलराइट 1π बॉन्ड होगा। तो इस तरह से जैसे मैंने सपोज करो यहाँ पे मैंने ले लिया कुछ इस तरह से ये कंपाउंड जिसका नाम हो जाएगा 1,3-butadiene, ऑलराइट एंड अनदर कंपाउंड इज अ 2π इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स अ इथाइलिन, दैट इज अ इथाइलिन, ऑलराइट बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पे क्या होगा, दिस पाई बॉन्ड आर माइग्रेट ओवर हेयर, दिस पाई बॉन्ड आर माइग्रेट ओवर हेयर एंड सिमिलर दिस आर माइग्रेट ओवर हेयर, ऑलराइट एंड फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लिक कंपाउंड। यहाँ पे भी मैं डैश डैश करके रिप्रेजेंट कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए कि कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और कहाँ पे आपका बॉन्ड जो है वो आपके ब्रेक हो रहा है। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, सो यहाँ पे देखिए ये जो पाई बॉन्ड था, यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ इसका हो रहा है ब्रेकिंग, यहाँ पे पाई बॉन्ड का हो रहा है ब्रेकिंग, यहाँ पे पाई बॉन्ड का हो जाएगा फॉर्मेशन, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का हो जाएगा फॉर्मेशन, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का हो जाएगा फॉर्मेशन एंड फाइनली वी गेट अ साइक्लिक कंपाउंड एज साइक्लोहेक्सीन, साइक्लो हेक्सीन। ऑलराइट, अब यहाँ पे अगर देखें तो इसे यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड थे, यहाँ पे पाई बॉन्ड आपके 3 थे, सिग्मा बॉन्ड कितने 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड थे, यहाँ पे 2 लॉस हो गया, यहाँ पे कितना लॉस हुआ 2 लॉस हो गया, यहाँ पे 2 गेन हो गया, कितने होने चाहिए 3-2 1, 4+2 6, मतलब 1 पाई बॉन्ड एंड 6 सिग्मा बॉन्ड, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 सिग्मा बॉन्ड। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज अ साइक्लोएडिशन रिएक्शन। मतलब इसके ऊपर टोटली अगर बात करें तो पाई बॉन्ड जो होते हैं वो लॉस होते हैं, 2 पाई बॉन्ड लॉस होते हैं इन कन्वर्ट टू प्रोडक्ट एंड 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं इन कन्वर्ट टू प्रोडक्ट। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज अ साइक्लोएडिशन रिएक्शन। ऑलराइट, एंड अब मैं क्या करता हूँ इस पे बोर्ड पे जो अदर एग्जांपल है वो भी मैं लिख देता हूँ। राइट, वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो इसलिए मैं ऑलरेडी लिख के फिर आपको मैं शो करता हूँ। राइट, सो मैं फिलहाल पज कर लेता हूँ। ओके गाइज, सो मैंने यहाँ पे अदर एग्जांपल लिख दी है जिसमें थर्ड एग्जांपल आप देख सकते हो 6+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन है। 6+2 का मीनिंग ये है 6π इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स 3π बॉन्ड, 2π इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स 1π बॉन्ड। तो यहाँ पे 3π बॉन्ड एंड 1π बॉन्ड वाले रिएक्टेंट से आपस में रिएक्ट करेंगे एंड टू फॉर्म अ साइक्लिक कंपाउंड। ऑलराइट, एंड यहाँ पे 3 ये पाई बॉन्ड हो गए, 1π बॉन्ड ये हो गया, 3+1 4π बॉन्ड, 4 में से 2 को सब्सट्रैक्ट कर दो, 2 आपके रिमेनिंग हो जाएंगे, यहाँ पे 2π बॉन्ड से यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। अगर मैं बात करता हूँ सिग्मा बॉन्ड के बारे में, 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म, अपनी डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ रखा है। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे है, 2 और प्लस कर दो 6+2 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, यहाँ पे 8 सिग्मा बॉन्ड न्यू आपको देखने को मिल जाएगा। राइट, जिसमें 2 न्यू फॉर्म हुए हैं और 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे लॉस हुए हैं। राइट, तो लॉस ऑफ 2 पाई बॉन्ड एंड गेन ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड, तो वो है आपका 6+2 साइक्लोएडिशन हो जाएगा। इफ यू टॉक अबाउट दिस 8+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन, 8 इट मींस 4 पाई बॉन्ड, 2 इट मींस 1 पाई बॉन्ड एंड 8 पाई बॉन्ड लाइक 1, 3, 5, 7 ऑक्टा टेट्राइन। ओके, सो ये जो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट करेगा इथाइलिन से एंड ये रिएक्शन करके आपको कुछ इस तरह से आपको एक कंपाउंड मिल जाएगा जिसका नाम होगा साइक्लो डेका ट्राइन। इस तरह से आपको यहाँ पे कंपाउंड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे पाई बॉन्ड 1, 2, 3, 4 एंड 5, रिएक्टेंट के टोटल पाई बॉन्ड 5 है, इसमें से 2 सब्सट्रैक्ट कर दो, 3 रिमेनिंग हो जाएंगे 1, 2, 3 एंड सिग्मा बॉन्ड काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, 8 सिग्मा है इसमें और 2 ऐड कर लो 10 हो जाएगा, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, इस तरह से आपको यहाँ पे 10 सिग्मा मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं 4+4 साइक्लोएडिशन रिएक्शन, 4+4 में क्या होगा, 4 इट मींस अ 2 पाई बॉन्ड एंड 4 इट मींस अ 2 पाई बॉन्ड, दैट इज अ 1,3-butadiene, दैट इज आल्सो 1,3-butadiene, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 एंड 4 4 पाई बॉन्ड है, इसमें 2 सब्सट्रैक्ट कर दो आपको 2 बच जाएंगे, सो दिस आर द 2 पाई बॉन्ड रिमेनिंग। ऑलराइट, एंड सिग्मा 1 2 3
फोर फाइव सिक्स, सिक्स यहाँ पे है, टू और ऐड कर दो एट हो जाएंगे, तो यहाँ पे देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट, यहाँ पे एट सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा. ऑलराइट, एंड लास्ट वन इज दैट सिक्स प्लस फोर साइक्लो एडिशन रिएक्शन. यहाँ पे सिक्स है इट मीन्स थ्री पाई बॉन्ड, यहाँ पे फोर है इट मीन्स टू पाई बॉन्ड, और फोर थ्री पाई बॉन्ड वाले एंड टू पाई बॉन्ड इट मीन्स फाइव पाई बॉन्ड रिएक्ट टू फॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड. ये कंपाउंड मिलेगा क्योंकि यहाँ पे भी कितने हैं, वन टू थ्री एक्शन वन टू थ्री फोर फाइव है, और यहाँ पे भी कितने हैं फाइव है. ऑलराइट, कंपाउंड आपको यही एज अ प्रोडक्ट जो है आपको यही मिलेगा दोनों रिएक्शन में. ऑलराइट, सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज अ साइक्लो एडिशन रिएक्शन. आई होप आपको यहाँ तक बेसिक नॉलेज आपको साइक्लो एडिशन का मिल गया होगा. राइट, नाउ ये जितनी भी जो रिएक्शन हो रही है इसमें से कुछ रिएक्शन ऐसी है जो फोटोकेमिकली है और कुछ रिएक्शन ऐसी है जो कि आपके थर्मली है. अब उस रिएक्शन को समझने के लिए पहले अपन को समझना पड़ेगा, सिस्टम समझना पड़ेगा कि ये कौन से सिस्टम से बिलोंग करती है. यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सिक्स प्लस टू है, तो ये जो 6 प्लस 2 है ये नॉर्मली आपका 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम इट मीन्स ये आपका हो जाएगा 4 एम पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम यहाँ पे मुझे देखने को मिलेगा. अगर मैं इसके बारे में बात करता हूँ सो 1 2 3 4 5 8 प्लस 2 है जो कि आपका 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ओ नो लाइट चली गई. ओके वेट, मैं ये डोर ओपन कर लेता हूँ. आई होप आप देख पा रहे होंगे. या सो यहाँ पे आप देख रहे हो तो यहाँ पे 8 प्लस 2 इट मीन्स 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है. इट मीन्स ये आप कह सकते हो 2n प्लस 1 या 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 4n प्लस 2, यस 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम यहाँ पे होगा. और हम इसके बारे में बात करें 6 प्लस 4 ये भी आपको 10 मिलेगा, इट मीन्स ये भी आपका क्या है 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा. यहाँ पे अगर बात करते हैं यहाँ पे 4n 4 8 हो जाएगा, इट मीन्स ये किसके, ये कौन सा सिस्टम होगा, 4n पाई सिस्टम होगा. राइट, इट मीन्स साइक्लो एडिशन रिएक्शन दो सिस्टम पे होती है, एक तो आपका सिस्टम हो गया 4n पाई सिस्टम और एक आपका सिस्टम हो गया 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम. ये आप माइंड में फिट कर लेना कि जहां पे आपको 4n पाई सिस्टम दिखे वहां पे जो रिएक्शन है वो फोटोकेमिकली पॉसिबल होगी. सो ये जो दोनों रिएक्शन है वो आपके फोटोकेमिकली होगी, जबकि ये जो रिएक्शन है वो आपके थर्मली पॉसिबल होगी. ऑलराइट, ये भी जो रिएक्शन है वो भी आपके थर्मली पॉसिबल यहाँ पे हो जाएगी. सो इस तरह से अपन, अब आप सोच रहे होंगे कि ये सर थर्मली पॉसिबल कैसे है, ये ये फोटोकेमिकली पॉसिबल कैसे है. तो ये जो है इसके लिए एक रूल्स यूज करना पड़ेगा, जिस रूल्स को अपन बोलते हैं वुडवर्ड हॉफमैन रूल फॉर द साइक्लो एडिशन. ऑलराइट, चलिए उसको पढ़ते हैं. लेकिन उसको पढ़ने से पहले एक और टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जो कि एक तरह का बॉन्ड इंट्रैक्शन है, दैट इज अ सुप्रा एंड एंटारा फेशियल. ओके, सो उस इंट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आपको सिस्टम बनाना समझ में आ गया होगा, आपको एक तरह का एडिशन समझ में आ गया होगा. ये एक तरह का बेसिक नॉलेज था साइक्लो एडिशन के बारे में. ऑलराइट, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं सुप्रा फेशियल एंड एंटारा फेशियल इंट्रैक्शन. Alright guys, so topic is that suprafacial interaction and dusra aapka jo hai wo aapka ho jayega entara facial. अब ये जो सुप्रा फेशियल और एंटारा फेशियल है वो क्या होते हैं, उसको अपन किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं. ये एक तरह के बॉन्डिंग इंट्रैक्शन होते हैं जिसमें आपके लोब्स होते हैं, पी ऑर्बिटल के जो लोब्स होते हैं ना, उस लोब्स के अकॉर्डिंग इसको सुप्रा फेशियल और एंटारा फेशियल कहते हैं. अब सुप्रा फेशियल में क्या होगा कि जो आपके लोब्स होंगे वो आपके सेम फेज पे होंगे, जो दोनों रिएक्टेंट के जो लोब्स होंगे वो आपके सेम फेज पे है. तो इस टाइप के जो बॉन्डिंग इंट्रैक्शन को अपन कह सकते हैं सुप्रा फेशियल. तो इसको अपन इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं बॉन्डिंग इंट्रैक्शन
interaction between lobes on the same phase of one reactant and lobes on same phase of other reactants, right? So ये जो है bonding interaction between the lobes on the same phase of one reactant and lobes on the same phase of other reactant, मतलब दोनों reactant के जो lobes है वो same phase पे है. This type of bonding interaction is known as a supraphaseal. Antaraphaseal में क्या हो जाएगा, change कुछ नहीं करना है. यहाँ पे जो है, यहाँ पे lobe जो same phase लिखा है, यहाँ पे इसकी जगह कर लेना आपके different या opposite phase कर देना बस. ये चीज अगर ये आप कर लेते हो, इसकी डेफिनेशन में ये चेंज कर लेते हो, तो उसका डेफिनेशन हो जाएगा एंटेराफेशियल इंट्रैक्शन का हो जाएगा. अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं उसके बारे में बात करें. सपोज एक रिएक्टेंट के लोब्स कुछ इस तरह से है, यहाँ पे कोई एक रिएक्टेंट है जिसके कुछ लोब इस तरह से है, या प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन. दूसरा जो रिएक्टेंट है उसके लोब्स कुछ इस तरह से है, और ये जो है आपस में इस तरह से यहां पे इंट्रैक्शन करते हैं. ऑलराइट, इसको अपन इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सपोज एंड जो अंदर होगा वो बिल्कुल सेम फेज पे होगा, तो यहां पे जो बॉन्डिंग इंट्रैक्शन होगा उसको हम बोलेंगे सुप्राफेशियल इंट्रैक्शन. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. तो अगर इस टाइप का अगर इंट्रैक्शन हो रहा है तो उसको बोलेंगे सुप्राफेशियल इंट्रैक्शन. ऑलराइट, एंड सुप्राफेशियल इंट्रैक्शन होने पर ही आपके रिएक्शन जो है वो आपके पॉसिबल होती है, एंटेरा पे पॉसिबल नहीं होती. ऑलराइट, क्योंकि एंटेरा पे जो है जो बॉन्डिंग लेंथ है वो बढ़ जाता है. ऑलराइट, अब बात के एंटेराफेशियल इंट्रैक्शन किस तरह से होगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें नॉर्मली जो आपके लोब्स है वो कुछ इस तरह से होंगे. सपोज यहाँ पे पॉजिटिव साइन दे दिया, ये आपका पॉजिटिव लोब, दैट इज नेगेटिव लोब, दैट इज पॉजिटिव. अब ये जो है यहाँ पे ये थिंग बिल्कुल सेम थी, लेकिन अगर यहाँ पे अगर इसके नीचे ऐसा का ऐसा सेम फेज वाला अगर यूज करेंगे तो सुपरा हो जाएगा, लेकिन डिफरेंट यूज करेंगे तो वो एंटेरा हो जाएगा कुछ इस तरह. देखो ये पॉजिटिव है, यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव है आ गया, बस ये डिफरेंट है. तो इसमें क्या होगा कि एक तो जो है वो तो आपका यहाँ से इस तरह से इंटरेक्ट कर लेगा. ऑलराइट, लेकिन ये जो है ये एक्चुअली यहाँ से इंट्रैक्शन करेगा इस तरह से, तो ये जो है ऑपोजिट फेज आ गया, एक ऑपोजिट हो गया, है ना. तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे आपका कौन सा फेशियल इंट्रैक्शन है, एंटेराफेशियल इंट्रैक्शन है. तो इस तरह से यहाँ पे बारे में यहाँ पे अपन बात कर सकते हैं. तो दिस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन इज नोन एज अ सुपराफेशियल एंड एंटेराफेशियल इंट्रैक्शन. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. ऑलराइट, So now we are going for discuss about the Woodward-Hauptmann rule for the cycloaddition. और वो बड़ा important है, क्योंकि उससे ही अपन को पता चलेगा कि आपके किस टाइप की reactions है वो थर्मली और फोटोकेमिकली पॉसिबल होती है, और वहाँ पर भी अपन इसका यूज करने वाले, इसलिए यह पहले आपको क्लियर कर दिया. और चलिए अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं Woodward-Hauptmann rule. Okay, so a Woodward Hauptmann
Hoffman rule. फोर पहले पर लेते हैं 2+2. देखो 2+2 से एक तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल लेना पड़ेंगे. एक तो लेना पड़ेगा वो एग्जाम्पल जो 4n पाई सिस्टम से बिलोंग करता है, और दूसरा एग्जाम्पल वो लेना पड़ेगा जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से बिलोंग करता है. राइट. सो 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन. ओके, इट मींस ये किसके लिए है? ये आपके आपका हो गया 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हो गया. राइट. इसमें इट मींस यहाँ पे जो n का है, n वैल्यू आपका कुछ भी हो सकता है, लाइक 1, 2, 3 एंड सो ऑन. राइट. ये आपका सिस्टम यहाँ पे हो सकता है. चलिए इस पर बात करते हैं. तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा है, ये जो है ये आपके इथाइलिन में पॉसिबल था. ये आपने इथाइलिन ले लिया, अनदर इथाइलिन, ये आपका अनदर इथाइलिन आपने ले लिया. ऑलराइट. अब इस इथाइलिन के लोब्स के अकॉर्डिंग अपन को बात करने है. राइट. तो इथाइलिन में एक पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इट मींस यहाँ पे जो है लोब 9 भी, यहाँ पे कितने कार्बन है? दो कार्बन है यहाँ पे. सो यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा साई 1 एंड साई 2. ऑलराइट. और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, इट मींस यहाँ पे दो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कुछ मैं इस तरह से यहाँ पे लिख दूंगा. ये आपके एक रिएक्टेंट्स का एक रिएक्टेंट का आ गया, दूसरा रिएक्टेंट का भी ऐसा का ऐसा ही होगा. राइट. तो इसमें अपन को HOMO एंड LUMO, एक का HOMO और दूसरे का दूसरा रिएक्टेंट का LUMO आपस में रिएक्ट करते हैं, और इंट्रैक्शन है, बॉन्डिंग इंट्रैक्शन है, वो अगर सुपरफेशियल है तो आपका वो रिएक्शन पॉसिबल होगी. राइट. सो सबसे पहले ये जो है ये आपका किस में है? थर्मल में है, अकॉर्डिंग टू थर्मल है. अगर इसको मैं फोटोकेमिकली पॉसिबल करवाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो ये साई वन है, साई वन का एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो वो ऐसा का ऐसा यहाँ पे रहेगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे आ जाएगा एक्चुअली. ऑलराइट. सो यहाँ पे अगर मैं थर्मली देखूँ तो ये इसका जो HOMO वो यही है, ये आपका है HOMO, और इसका जो लोअर अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड दैट इज द हाईएस्ट ऑक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल HOMO LUMO. ये ऑलरेडी मैंने FMO कोल्ड रिएक्शन में अच्छे से समझा रखा है. ऑलराइट. ये अपन ने बात कर ली. अगर फोटोकेमिकली अगर देखें तो इसका जो HOMO है वो यही है, और LUMO के बारे में बात करें तो वो भी यही होगा. तो इसके HOMO और LUMO दोनों क्या है? सेम है. कब? जब ये फोटोकेमिकली एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के नेक्स्ट एनर्जी लेवल में वो पहुंच गया. ऑलराइट. सो इस तरह से यहाँ पे अपन बात कर सकते हैं. अब यहाँ पे जो ये साई वन है, यहाँ पे ये आपका जो साई टू हो गया. ऑलराइट. इसका एक्साइटेड स्टेट में ये पहुंच गया. ऑलराइट. सो अभी यहाँ पे देखो साई वन आ रहा है. साई वन का मतलब क्या है? ये ऑड है, ऑड नंबर है. यहाँ पे देखो वन है, और यहाँ पे क्या है? इवन नंबर है. यहाँ से ही अपनी ट्रिक स्टार्ट होती है. अगर आपका कोई भी ऑड नंबर है, इसका मीनिंग है कि वहां पे मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, और जहां पे मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है वहां पे सी टू एक्सेस सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती. तो यहां पे अगर मैं देखूं तो यहां पे देखो साइवन पे मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी. ओके फाइन. तो चलो तो मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब किस तरह से, अगर आपका लोब ऐसा है, चलो मैं इसको वहां पे बना देता हूं. चलिए तो बात करते हैं कि ये आपके रिएक्शन बाय थर्मल पॉसिबल है नहीं है, बाय थर्मल. ओके चलो बाय थर्मल. तो पहले अपन लेते हैं जैसे LUMO ले लेते हैं. इसका LUMO कौन है? साई टू है. साई टू का मतलब क्या है? कि साई टू का मतलब है कि यहाँ पे टू है, टू का मतलब इवन हो गया, और इवन वाले में मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है, वहां पे प्रेजेंट होती है सी टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री. और सी टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब है एक लोब के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस तरह से ये चार्ज है इसके ऑपोजिट होते हैं. ऑलराइट. इसका मतलब यहाँ पे मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहाँ पे सी टू एक्सेस ऑफ सिमेट्री. ये कैसे फाइंड आउट किया? ये मैंने फाइंड आउट किया यहाँ पे ऑड इवन रूल से. ये ऑड इवन रूल है. राइट. ठीक है. ये तो बाय थर्मल में ये मैंने ले लिया LUMO ऑफ इथाइलिन. अब इसका अपन लेते HOMO ऑफ इथाइलिन. अब HOMO आप इथाइलिन में आप देखोगे ये क्या है? ऑड है. ऑड में क्या है? मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, और मिरर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, इट मींस जो जैसा यहां दिख रहा है वैसा कैसे इसके पास में दिखेगा. ये मिल गया. अब इसमें इंट्रैक्शन देखो, कौन सा इंट्रैक्शन है?
यहाँ पे प्लस प्लस वाले से ये बॉन्ड हो गया, ठीक है, ये प्लस वाले से ये बॉन्ड होगा, इसका मतलब कौन सा इंटरेक्शन हो गया, एंटारा फेशियल हो गया, यही बात समझाना चाहता था मैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका एंटारा फेशियल इंटरेक्शन है, आया समझ में? तो बाय थर्मल कौन सा इंटरेक्शन है, एंटारा फेशियल इंटरेक्शन है। इंटरफेशियल इंट्रैक्शन है। अब बात करते हैं बाय फोटोकेमिकल। अब फोटोकेमिकल में ले लो एल यू एम ओ ऑफ इथाइलिन। अब देखो एल यू एम ओ ऑफ इथाइलिन साई टू मिल रहा है, एच ओ एम ओ भी साई टू है। साई टू का मतलब क्या होता है, टू मतलब इवन मतलब सी टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट एंड मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे जैसा जैसा आप ऊपर बना रहे हो बिल्कुल सेम, क्योंकि एच ओ एम ओ एल यू एम ओ बिल्कुल सेम है। ऑल राइट, सो ऐसा कैसा मैं नीचे बना देता हूं, देर इज पॉजिटिव सो देर इज नेगेटिव, देर इज नेगेटिव देर इज पॉजिटिव, राइट। और इसमें आप इंटरेक्शन कर लो, देखो ये इंटरेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव, ये इंटरेक्शन हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव। तो ये कैसा इंटरेक्शन हुआ, ये आपका हो गया सुप्रा फेशियल इंटरेक्शन, आया समझ में? तो अब आप देख सकते हो कि अगर मैं 4n पाई सिस्टम लेता हो तो वहां पे बाय थर्मल एंट्रा फेशियल इंट्रैक्शन मिलता है जो कि रिएक्शन को पॉसिबल नहीं करवाएगा, एंड अगर मैं बाय फोटोकेमिकल लेता हो वहां पे सुप्रा फेशियल इंट्रैक्शन करवाएगा जो कि एज अ रिएक्शन को रिएक्शन के लिए सुटेबल होगा, राइट, टू फॉर्म अ साइक्लिक प्रोडक्ट। तो यहां पे अपन देख सकते हैं कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कौन सा सही रहेगा, आपका फोटोकेमिकली है वो सही रहेगा, थर्मल रिएक्शन आपकी पॉसिबल नहीं होगी। ऑलराइट, इसलिए मैंने कहा था कि 4n पाई सिस्टम में आपके फोटोकेमिकली रिएक्शन पॉसिबल होती है, आया समझ में? ओके फाइन, तो ये आपका वुडवर्ड हॉफमैन रूल था फॉर द 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन, या कह सकते हैं 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। ऑलराइट, आई होप आपको समझ आ गया। नाउ लेट्स गो ऑन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, या कह सकते हैं 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन के लिए। ऑलराइट, चलो इसको मैं अच्छे से आप लिख देना इसको और पज करके लिख दो और फिर मैं नेक्स्ट पढ़ाता हूँ। राइट, इसको मैं रफ कर लेता हूँ। सो नेक्स्ट अपन देखते हैं 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वहां पे कौन सा इंट्रैक्शन पॉसिबल होगा, बाय थर्मल या बाय फोटोकेमिकल। वैसे अपन को पता है कि बाय थर्मल ही पॉसिबल होगा, लेकिन इसको कैसे प्रूव करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो 4+2 इट मींस 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए यहाँ पे अपन देखेंगे देयर n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एटसेट्रा। ऑलराइट, चलिए क्या करते हैं, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो, डाइल्स एल्डर रिएक्शन, ठीक है, ये इसका एक एग्जांपल है। 1,3-butadiene के जैसे रिएक्शन करवाना है, ओके, ये अपन इसको इस तरह से यहाँ पे लिख दिया। ऑलराइट, इसमें कितने पाई बॉन्ड है, इसमें 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है, तो इसमें एक्चुअली जो है साई 4 तक जाएगा, इसमें 1 पाई बॉन्ड है, साई 2 तक जाएगा, 2 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है। ऑलराइट, चलिए, तो मैं इसको आई थिंक लिखना जरूरी नहीं है, आपको पता है साइक्लोब्यूटेन में आपको यहाँ पे एज ए प्रोडक्ट मिलेगा। चलो इसको मैं डायरेक्ट इसके जो एनर्जी लेवल बता देते हैं, तो यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 साई 1, साई 2, साई 3 एंड साई 4 ये इसके एक्साइटेड स्टेट वाले होंगे और ये इसके ग्राउंड वाले होंगे। ऑलराइट, चलिए, सो यहाँ पे जो है अगर मैं थर्मल के बारे में बात करता हूँ और मैं बात करता हूँ फोटोकेमिकल, ठीक है, और दूसरा अपन ले लेते हैं, चलो पहले इसको कर लेते हैं। यहाँ पे थर्मल में कितने डाइसल्फाइड रिएक्शन, मतलब 1,3-butadiene मतलब 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड, ये आपका आ गया 1 पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन,
दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंड दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब दोनों पेयरिंग फॉर्म है इन द थर्मल कंडीशन। फोटोकेमिकल में ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के पहुँच जाएगा नेक्स्ट लेवल में, यहाँ पे पहुँच जाएगा और ये सारा चेंज कर लेगा है। ओके क्या चेंज करेगा? एल यू एम ओ और एच ओ एम ओ। ऑल राइट। सो अगर मैं बात करूँ 1,3-butadiene के लिए, ये किसके लिए है? 1,3-butadiene के लिए है। ये क्या है? एच ओ एम ओ इन द थर्मल कंडीशन। ये क्या ये क्या हो जाएगा? एल यू एम ओ हो जाएगा। अब इन द फोटोकेमिकल एच ओ एम ओ ये बन गया साई थ्री और ये क्या बन गया? साई फोर। क्या बन गया? एल यू एम ओ। ध्यान देना यहाँ पे एक्चुअली समझने वाला यही है, ये ऑड इवन रूल से ही सॉल्व होगा। तो 4,3,2,1 ये इसको अच्छे से समझना। ये तो 1,3-butadiene के लिए हो गया। नेक्स्ट अपन लेते हैं अदर रिएक्टेंट। ये तो एक रिएक्टेंट है अपना, अदर क्या था? इथाइलिन। तो इथाइलिन के लिए अपन बात करते हैं, इथाइलिन में बात करते हैं। इथाइलिन में साई वन एंड साई टू एक ही पाइपर होता है बिचार के पास में, इन थर्मल कंडीशन एंड इन फोटोकेमिकल कंडीशन। अब थर्मल कंडीशन में इथाइलिन के पास में एक पाई बॉन्ड है, मतलब वही ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए उस पाई एक पाई बॉन्ड के। एक्साइटेड में वो क्या हो जाएगा? एक पाई इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड होकर नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाएगा, साई टू में पहुंच जाएगा। ओके सो ये तो थर्मल कंडीशन में एच ओ एम ओ और ये आपका उसका हो गया एल यू एम ओ। फोटोकेमिकल में एच ओ एम ओ। ओके और अगर इसमें बात करें तो एल यू एम ओ भी एक्चुअली यही होगा, एल यू एम ओ भी फोटोकेमिकल में यही होगा। ये अपन ने अभी जस्ट एग्जाम में पढ़ाया, राइट। चलो अभी इसको अपन स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली अपन पहले बात करते हैं फोर थर्मल, थर्मल में अपन देखते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1,3-butadiene का अगर आप जैसे थर्मल में ले तो 1,3-butadiene में थर्मल वाले एनर्जी लेवल में आपको अगर एच ओ एम ओ ले रहे हो तो इसके थर्मल वाले में एल यू एम ओ लेना पड़ेगा, इसका एल यू एम ओ ले रहे हो तो इसका एच ओ एम ओ लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। तो पहले अपन लेते हैं इसका, तो लेते हैं एल यू एम ओ, इसका लेते हैं एच ओ एम ओ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एल यू एम ओ ऑफ इथाइलिन और एच ओ एम ओ ऑफ 1,3-butadiene, ठीक है। अब एल यू एम ओ, अब इसका देखो, इसका इथाइलिन का एल यू एम ओ मतलब साई टू और साई टू, टू का मतलब इवेन और इवेन वाले में सी टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। सी टू मतलब जिसमें इधर प्लस है तो इधर प्लस नहीं आएगा, इसका ऑपोजिट माइनस आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ आपको इस तरह से मिलेगा, इधर प्लस तो इधर माइनस, इधर माइनस और इधर प्लस, ये तो ये आपका हो गया एल यू एम ओ, ये हो गया। अब एच ओ एम ओ ऑफ 1,3-butadiene इन थर्मल में एच ओ एम ओ ये रहा, साई टू है और साई टू है, इसका भी साई टू तो सेम ही होगा, बिल्कुल सही, ये आपका बन गया साई टू हो गया। मतलब कौन सा सिमेट्री है? सी टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, ये देखो ये आपका हो गया इंट्रैक्शन, हो गया इंट्रैक्शन हो गया और आपस में इन्होंने बॉन्ड बना दिया, तो रिएक्शन पॉसिबल होगी कि नहीं होगी? ऑब्वियसली होगी। अब इसका उल्टा करते हैं, क्या करते हैं? एल यू एम ओ तो लेते हैं 1,3-butadiene का और एच ओ एम ओ लेते हैं इथाइलिन का, ठीक है। और लगा दो यहां पे और लिख दो एल यू एम ओ ऑफ 1,3-butadiene एंड एच ओ एम ओ ऑफ इथाइलिन, ठीक है। लाइट वापस चले गई, आई होप देख पा रहे होंगे, जस्ट चेक आउट, ठीक है, दिख रहे हैं। चलो सो अब क्या होगा यहाँ पे, आप देखोगे एच ओ एम ओ ऑफ इथाइलिन, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो अब क्या होगा, जैसे यहाँ पे एल यू एम ओ ऑफ 1,3-butadiene, अब 1,3-butadiene का एल यू एम ओ मतलब साई थ्री और थ्री जो है वो आपका ऑड नंबर है, ऑड नंबर में मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, तो यहां पे पॉजिटिव आएगा और यहां पे भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री। और एच ओ एम ओ ऑफ इथाइलिन, एच ओ एम ओ साई वन है और वन क्या होता है? वन का मतलब है ऑड, ऑड का मतलब इसमें आपका मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा,
तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ऊपर लगा दो प्लस प्लस, नीचे लगा दो माइनस माइनस, और ये करवा दो इंट्रैक्शन इनके बीच में, ठीक है। देखो ये बॉन्ड बन गया कि नहीं बन गया, क्योंकि दोनों कौन से इंट्रैक्शन है, सुपरफेशियल इंट्रैक्शन है, इसलिए ये जो रिएक्शन है वो आपके थर्मल पॉसिबल है। बट फोटोकेमिकली पॉसिबल नहीं, ये भी प्रूव करना पड़ेगा। अगर फोटोकेमिकली पॉसिबल हो गया तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो फॉर द फोटोकेमिकल, तो मैं इसमें थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। आप इसको अच्छे से पज करके इसको आप ले सकते हो। तो फॉर फोटोकेमिकल, अब फोटोकेमिकल देखते हैं कि फोटोकेमिकल में क्या होगा। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फोटोकेमिकल अगर देखे तो LuMO ऑफ इथाइलिन इन फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल में LuMO क्या है, साइड टू है। साइड टू का मतलब कौन सा सिमेट्री है, इसमें सी टू एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, मतलब ये मैंने बता दिया। HOMO ऑफ वन थ्री बीटाडाइन, HOMO ऑफ वन थ्री बीटाडाइन फोटोकेमिकल में HOMO मतलब साइड थ्री है। साइड थ्री मतलब मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब प्लस प्लस, देर इज माइनस माइनस। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो है, यहाँ पे इंट्रैक्शन पॉसिबल होगा, लेकिन ये इंट्रैक्शन कुछ यहाँ से होगा, और ये कौन सा इंट्रैक्शन हो गया, एंटारा फेशियल इंट्रैक्शन हो गया, विच आर नॉट सुटेबल फॉर द अकरिंग ऑफ रिएक्शन। सो यहाँ पे एंटारा फेशियल, आप इसका ये इसका उल्टा करके आप देखोगे तो वहाँ पे भी आपको यहाँ पे एंटारा फेशियल देखने को मिलेगा, राइट। सो इस तरह से कॉन्क्लूजन ये हुआ कि 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो होता है उसमें अगर अपन देखें तो वहाँ पे आपकी रिएक्शन थर्मली पॉसिबल होती है, बट फोटोकेमिकली आपकी पॉसिबल नहीं होती है। तो ये चीज़ अपन को यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, तो चलिए तो इसका मैं एक कॉन्क्लूजन लिख देता हूँ, इसको आप अच्छे से लिख देना। तो नॉर्मली इसका सिंपल सा कॉन्क्लूजन ये रहा कि अगर आपके जो रिएक्शन है, ध्यान देना, तो आपका जो सिस्टम के बारे में बात करते हैं, सिस्टम आपके दो हो सकते हैं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो सकता है, एंड 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपका हो सकता है। ऑलराइट, सो अगर 4n सिस्टम है एंड थर्मल रिएक्शन एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन, ओके, सो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए यहाँ पे अपन को एंटारा फेशियल यहाँ पे देखने को मिलता था, एंटारा फेशियल देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको सुपरा फेशियल मिलेगा। 4n प्लस 2 के लिए यहाँ पे सुपरा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एंटारा मिलेगा, मतलब ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये रिएक्शन पॉसिबल होगी। अगर आपका सिस्टम 4n प्लस 2 है, इसका मतलब थर्मली आपके पॉसिबल है, लेकिन अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो वो फोटोकेमिकली पॉसिबल होगी, क्योंकि वहाँ पे आपको सुपराफेशियल देखने को मिलता है। तो ये जो है टेबल, वो एक तरह की वुडवर्ड हॉफमैन रूल है फॉर 4n एंड 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। आई होप ये वीडियो बहुत लेंथी भी हो गया है एक्चुअली, शॉर्ट करते करते। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, और जब आपको ये पूरा समझ में आ जाए देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड कोई डाउट हो देन कमेंट मी। ओके, टेक केयर, गुड बाय।